हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका यू करियर से। मैं रोशन जी, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो कि आप भी कर सकते हैं अपने घर पे। आपको चाहिए होंगे ये दो बलून, जो यहाँ दो बलून मैं लेके आया हूँ आपके जस्ट सामने है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होगा यार, उससे पहले एक्सपेरिमेंट करने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक साल हो गया है, 300 सब्सक्राइबर ही है भाई साहब, आप लोग थोड़ा हेल्प कर दीजिए यार। इतने बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा एक्सपेंस भी खर्चा करना पड़ता है यार, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना के दिखाने के लिए और जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके लिए, तो यार थोड़ा सपोर्ट तो किया करिए। तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, लेट्स क्रिएट। तो यार ये बलून मैंने दो ले लिए, कोई सा भी एक उठा लेते हैं यार। कौन से कलर का ठीक रहेगा? गोल्डन नहीं है, सिल्वर वाला। इसको पहले फुलाता हूँ, तो इसको फुला लेते हैं नॉर्मली जैसे आप फुलाते हैं उसी तरीके से। तब इस बलून के साथ क्या ही एक्सपेरिमेंट मैं कर सकता हूं भाई। एक तो एक्सपेरिमेंट ये हो गया कि इसको मैं हल्का सा अपने यहाँ पे इस तरीके से रब करूंगा, तो कोई भी कपड़े से आप रब करेंगे तो उसके बाद अपने हेयर्स के पास ले जाएंगे तो ये हल्का हल्का अट्रैक्ट हो गया। होता कुछ नहीं भाई, इसमें स्टैटिक चार्ज आ जाता है रब करने पर, जो कि तुम्हारे जो हेयर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। कुछ भी चीज़ और कागज वगैरह भी आप इससे उठा सकते हैं, इस तरीके से जादू दिखा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन मैं ऐसा कुछ करके दिखाने वाला नहीं हूँ। मैं लूंगा ये पिन, क्या सुई है यार, पिन क्या ही बोलूं इसको, और इससे इसको फोड़ूंगा तो क्या होगा भाई, क्या होगा? सब ही जानते हैं क्या होगा, इसमें कोई नई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बट साइंस अभी समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। तो यार इसको फोड़ते हैं आज। ओ माय गॉड, बड़ी जबरदस्त आवाज थी इसकी यार, ये तो गया। ये देखिए ये हाल हुआ है जब मैंने इसको ब्लास्ट किया, मतलब कोई पिन वगैरह इसमें चुभाई है, तो ये हाल हुआ है। तो ये एक और बलून है मेरे पास जो कि सेम तरीके का है, देख सकते हैं आप लोग। इसको भी मैं फुला लेता हूँ बड़े आराम से। इसको फुला लिया मैंने, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है यार बलून मेरे को, तो इसको भी नॉट मार लेता हूँ ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के। ये मैंने इसको हवा थोड़ी सी निकाल दी है, ये देखिए काफ़ी बड़ा घर भी है यार, खुला ज़्यादा लिया था आई थॉट दैट। और ठीक है भाई, इसको नॉट मार देते हैं, तो ये नॉट लग गई, ठीक है। अब आपको लेना है इस तरीके का टेप, टेप की दो तीन लेयर को फर्स्ट लेयर में लगा रहा हूँ इस तरीके से, जहाँ पे मेरे हाथ के फिंगरप्रिंट नहीं होंगे मैं वहाँ पर चिपकाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने जस्ट है, ये देखिए ये मैंने फर्स्ट लेयर इसकी चिपका दी टेप की, आपको दिखाई दे रही होगी, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा टेप अलग से। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर दो तीन लेयर चिपका लेता हूँ, टेप और ले लेता हूँ थोड़ा सा, और इसको कैमरे पे को ठीक करता हूँ। मैंने एक लेयर और चिपका दी, अब ये आपको विजिबल होगी। हमको फिर से उसी तरीके से नेडल ले लेना है, और जहां पे बहुत अच्छी तरीके से सारी लेयर चिपकी हुई होंगी वहां पे आपको इस तरीके से इस नेडल को चुभाना है। देख रहे होंगे आप लोग को, एक बार दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए लाइट कवर भी दिखाता हूँ, ये देखिए पूरे में टेप लगा हुआ है दो तीन लेयर, तो जहाँ पे सबसे अच्छी तरीके से चिपका हुआ है मैं वो स्पॉट फाइंड कर लेता हूँ, फिर वहीं पे इसको चुबा दूंगा। ये देखिए मैं चुबा रहा हूँ अब इसमें, ये देखिए इसमें जा ही नहीं रही अभी, तो ये देखिए चली गई, ये देखिए इसमें जो नीडल है वो लगी हुई है, और कोई भी ना बलून फट रहा है ना बलून हट रहा है, किसी भी तरीके से कुछ नहीं हो रहा। तो भाई ये सिंपली अपने जो दो साइंस एक्सपेरिमेंट मैंने किए, ये सिंपल से साइंस एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही बड़ी इन्वेंशन को दिखाते हैं। जो मैंने पहला वाला बलून फोड़ा था वो सेम आपका होता है, जो ट्यूब वाला टायर होता है उसके साथ यही होता है,
तो ट्यूब वाले टायर के अंदर जैसे बलून टाइप का एक ट्यूब रखा होता है, तो ट्यूब में जैसे ही पंक्चर होता है तो वो इसी तरीके से एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि हमारी गाड़ी की हवा बिल्कुल तुरंत निकल जाती है बाहर। लेकिन जो इंजीनियर्स थे उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इन्वेंशन किए करने के लिए, मतलब थोड़ा सा इसको स्टडी किया, केस स्टडी किया कि जब भी कहीं पंक्चर होता है तो वो किस तरीके से फैलता है। तो उन्होंने पाया कि जब भी ट्यूब वाला जो टायर था उसमें जब भी कोई मतलब नुकीली चीज़ लगती थी तो वो ब्लस्ट होकर वहाँ से छेद बड़ा होता चला जाता था, जिससे हवा सारी हमारी बाहर आ जाती थी। बट उन्होंने क्या किया अब इसका जुगाड़, उन्होंने उसके ऊपर एक लेयर टाइप की दो तीन लेयर चढ़ा दी, जिससे कि जब भी हमारा कोई भी पंक्चर होता है वहाँ पे मतलब नुकीली चीज चुभती है तो वो जो छेद होता है वो बड़ा नहीं होता है, वो उतने पे ही स्टिक कर जाता है, तो हवा धीरे धीरे स्पेल आउट होती है, जिसकी वजह से हमारा टायर ब्लास्ट नहीं होता, मतलब एकदम से बाहर हवा नहीं निकलती, इससे एक्सीडेंट के चांस कम हो जाते हैं। तो सिंपल से साइंस की ट्रिक लगा के मैंने आपको दिखा दिया है, ये दो बहुत बड़े जो साइंस के इन्वेंशन है वो आपके सामने शेयर कर दिए हैं। तो यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए यार, भाई बहुत अमेजिंग फीलिंग है ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आते, तो भाई सब्सक्राइब कर दे यार, क्योंकि 300 सब्सक्राइबर है मेरे और साल भर के आसपास हो गया भाई साहब, ये दर्द ये पीड़ा ये कोई नहीं समझ सकता, ये यूट्यूबर ही जान सकता है। तो यार सब्सक्राइब कर लेना, मिलते किसी और वीडियो में किसी और अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट या गैजेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।